भगवान महाकाल के सेनापति काल भैरव की भी अजीब महिमा है। फिलहाल हम काल भैरव मंदिर में हैं। काल भैरव भगवान ने सिंधिया घराने को कई बार मुसीबत से बचाया, शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद से ही सिंधिया घराने की पगड़ी यहां पर भगवान काल भैरव को चढ़ती आ रही है। हमारे साथ पंडित राजेश चतुर्वेदी जी है। पंडित जी, किस प्रकार से जो सेनापति काल भैरव की महिमा अपरंपार है और यहाँ पर सिंधिया घराने की जो पगड़ी है वो क्यों चढ़ाई जाती है? ये भगवान काल भैरव जी है। काल भैरव जी का जो पूजन होता है वो शिव जी के रूप में होता है और उज्जैन में स्थित जो काल भैरव जी हैं वो महाकाल के सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ काल भैरव जी का पूजन जो है तीन प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तामसिक पूजा के अंतर्गत भगवान को मदिरा का पान कराया जाता है, मंत्रों के माध्यम से जो है मदिरा भगवान को पिलाई जाती है और मदिरा पी करके भगवान जो है, जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर के मदिरा के साथ आते हैं वो मदिरा भगवान को पिला करके और लोगों की मनोकामनाएं उनसे पूर्ण होती है, इसलिए लोग मदिरा पान लाते हैं और मदिरा चढ़ाई जाती है। और जो है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यहाँ जो है साल में पगड़ी आती है, भगवान की परंपरा है। उनके यहाँ से उनके परिवार के भगवान ने कई काम किए और उनके परिवार पे भगवान का बहुत आशीर्वाद है, इसलिए जो है उस परंपरा के अनुसार भगवान की पगड़ी उनको चढ़ाई जाती है। कई बार शत्रुओं पे विजय प्राप्त हुई है उनको और पारंपरिक रूप से ग्वालियर से बन करके जो है पगड़ी आती है और भगवान को ये पगड़ी धारण कराई जाती है। पंडित जी, ये परंपरा कब से चली आ रही है पगड़ी धारण करने की, और साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो किस प्रकार से भगवान महाकाल के दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करना बेहद आवश्यक शास्त्रों में माना गया? ये पगड़ी की परंपरा तो कई सैकड़ों सालों से है, बिल्कुल परंपरागत जो है, जो पगड़ी जो नित्य प्रतिदिन जो भगवान को पगड़ी धारण कराई जाती है वो सिंधिया वंश की पगड़ी ही धारण कराई जाती है, अन्य और कोई पगड़ी भगवान को धारण नहीं कराई जाती है। और ये जो है महाकाल के सेनापति के रूप में पूजा जाते हैं, तो राजा के बाद में जो है या राजा के पहले सेनापति का दर्शन करना आवश्यक होता है, इसलिए भगवान के काल भैरव के दर्शन करने लोग यहाँ आते ही है, महाकाल के दर्शन करने के बाद सेनापति के दर्शन करते हैं। उज्जैन में राजाधिराज भगवान महाकाल के अलावा काल भैरव की सवारी निकलती है। काल भैरव साल में दो बार भैरव अष्टमी और डोल ग्यारस पर पूरे भ्रमण पे निकलते हैं, नगर भ्रमण पर, और उसके दौरान वो श्रद्धालुओं के हालचाल भी जानते हैं। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।